ओके फ्रेंड्स, कैसे हो? ऐसा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे एंड तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने फ़ोटो को अपने लाइटरूम में इंपोर्ट कर लिया है एंड चलिए हम इसे एडिट करेंगे। एंड आपने ऑफ्टर वाला देखा ही होगा, तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करेंगे। तो यहाँ से लाइट पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट फर्स्ट इसका शेडो बढ़ाएंगे, तो देख सकते हो शेडो को कुछ इतना रखेंगे एंड हाईलाइट माइनस रखेंगे कुछ इतना एंड सॉरी थोड़ा 76 रखेंगे एंड -23 हाईलाइट को रखेंगे एंड वाइट को +30 रखेंगे एंड ब्लैक्स को +52 रखेंगे एंड जस्ट एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितना हमें बढ़ाना है एंड एक्सपोजर को 30 रखेंगे। जस्ट यहाँ से कलर्स में आएंगे एंड वाइब्रेंस 36 कर देंगे एंड यहाँ से टिंट को देख लेते हैं, टिंट माइनस के साइड रखेंगे 6 एंड यहाँ से कलर्स में आ जाएंगे एंड ऑरेंज कलर का सैचुरेशन माइनस रखेंगे एंड लुमिनस को प्लस रखेंगे। जस्ट ह्यू भी +8 रखेंगे। जस्ट इसका रेड कलर का सैचुरेशन प्लस एंड लुमिनस को माइनस रखेंगे ताकि एंड सैचुरेशन को 27 रखेंगे एंड ह्यू को देख लेते हैं, ह्यू -30 रखेंगे एंड जस्ट यहाँ से येलो कलर का सैचुरेशन माइनस रखेंगे एंड ह्यू भी माइनस रखेंगे। जस्ट ग्रीन कलर का सैचुरेशन माइनस एंड ह्यू माइनस। जस्ट एक्वा कलर का सैचुरेशन प्लस रखेंगे एंड +68 एंड यहाँ से 61 इसका रखेंगे। जस्ट यहाँ से ब्लू कलर का सैचुरेशन 60 कर देते हैं एंड ह्यू को -45 रखते हैं एंड जस्ट इसका सैचुरेशन माइनस रखेंगे एंड इसका भी सैचुरेशन माइनस। जस्ट यहाँ पे मतलब कि हेड पे एक वे कलर थोड़ा आ रहा है तो इसका ह्यू माइनस कर देंगे कुछ इतना। जस्ट यहाँ से डन हो चुका है, यहाँ से ग्रेडियंस कलर ग्रेडिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ से शैडो, चलिए शैडो बना लेते हैं एंड शैडो को यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखेंगे एंड यहाँ से सैचुरेशन कुछ इस टाइप से यहाँ पे इतना 7 रखेंगे एंड जस्ट यहाँ से मिड टोन को 146 रख के एंड सैचुरेशन देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। तो हम कुछ इतना 13 रखेंगे, जस्ट इसका थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पे कर देते हैं एंड जस्ट यहाँ से हाईलाइट में ह्यू को एक्वा कलर में ले जाएंगे एंड सैचुरेशन को कुछ इतना बढ़ाएंगे। जस्ट यहाँ से डन हो चुका है एंड यहाँ से इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे एंड क्लैरिटी को 21 एंड बिगनेट को 43 रखेंगे एंड जस्ट यहाँ से डिटेल्स में आ जाएंगे, नॉइज रिडक्शन को 17 एंड कलर नॉइज सॉरी कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा ऐसे कलर नॉइज को 28 एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो एंड और भी कुछ करना बाकी है। डोजन बर्न करेंगे तो यहाँ से सेलेक्टिव में चलेंगे एंड यहाँ से ऐड पे क्लिक करके यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करेंगे, अरे सर्कल पे एक सर्कल यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप से बनाएंगे एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। जस्ट उसके बाद इसका यहाँ पे लाइट पे चलेंगे एंड शैडो को माइनस का साइड रखेंगे एंड हाईलाइट को भी माइनस। जस्ट यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना एंड एक्सपोजर को भी माइनस रखेंगे कुछ इतना एंड हाईलाइट को भी थोड़ा कम एंड शैडो को कम। जस्ट वाइट को प्लस रखेंगे एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा प्लस रखेंगे। जस्ट यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे एंड ऐसे इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड जो एरिया फेस पे आ रही है उसे हम इरेज करेंगे। तो चलिए हम इरेज कर लेते हैं एंड थोड़ा अच्छे से इरेज कीजिएगा। तो चलिए हमने इरेज कर लिया एंड जो हमारे फेस पे पार्ट आ रहा था तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर से इरेजर पर क्लिक करेंगे, इधर हेयर्स पे आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा इसके भी इरेज कर देंगे एंड जस्ट यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हो एकदम फोटो एकदम एक नंबर की एडिट हो चुकी है यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी फेस में थोड़ा सा लाइट चाहिए तो यहाँ से ऐड पे फिर से क्लिक करेंगे एंड ऐसे जूम करेंगे एंड यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ से 2 नंबर चूज करेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से सर्कल बनाएंगे। यहाँ से लाइट पे क्लिक करेंगे एंड एक्सपोजर को कुछ इतना एंड कॉन्ट्रास्ट को माइनस एंड हाईलाइट को प्लस एंड शैडो को भी +9 एंड वाइट को +3 एंड ब्लैक्स को 1 रखेंगे। जस्ट यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे, क्लैरिटी को माइनस
एंड यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, सॉरी बगल में ट्रेन आ रही है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। एंड बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो क्या पिक थी पहले एंड क्या हो चुकी है। एंड यहाँ से शेयर एंड सेफ्टी एडवाइस। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तब तक ले गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।